अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की वजह से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई। न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर कैथी हेचुल ने कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद इस बात का फैसला लिया और इसके साथ ही एक आदेश भी जारी किया। इस आदेश में गवर्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 15 जनवरी 2022 तक आपदा आपातकाल की घोषणा कर दी। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है और खतरे की बात यह है कि दूसरे कई देशों में भी इस नए वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो गए। यूरोप में इस नए वेरिएंट का पहला मरीज बेल्जियम से सामने आया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। तो वहीं अमेरिका, ब्राजील और सऊदी अरब ने अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। और यही नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो इस नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन ने इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। इससे पहले यूके और इटली जैसे देश भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा चुके हैं। WHO ने ओमिक्रोन को बेहद संक्रामक बताते हुए आशंका जताई है कि इससे यह महामारी एक बार फिर तेजी से फैल सकती है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रोन के 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। सरकार का मकसद शीतकालीन सत्र को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से चलाना है। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में पीएम सभी दलों के नेताओं के साथ संसद के काम पर चर्चा करेंगे। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से इस बैठक में सरकार पर तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने, जांच एजेंसियों के प्रमुख के कार्यकाल बढ़ोतरी के अलावा महंगाई समेत दूसरे मुद्दे को उठाया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से शुरू होगा। नागपुर में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बेंगलुरु से पटना जा रहे गोएयर के विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान के क्रू मेंबर समेत 135 लोग सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहने वाले NSG कमांडो सुभाष चंद्रा का पर्स चोरी करने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। बताया गया कि 7 नवंबर को जिस वक्त सुभाष चंद्रा मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस वक्त उनकी जेब से पर्स चोरी हुआ था। एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद उसने बताया कि ये कार्ड का उपयोग वो सिर्फ पॉकेट चोरी का काम करता है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की आशा कार्यकर्ताओं को फोर्ब्स मैगजीन के विमेन पावर 2021 की लिस्ट में शामिल किया गया। इन आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना संकट में बेहतरीन काम करने के लिए फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी लिस्ट में शामिल किया। हर लेडीज शक्तिशाली है, हम आज हुए हैं, कल शायद और कोई होगा। यूपी के गोरखपुर में कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। आबकारी विभाग के साथ पुलिस ने ताजा छापेमारी में वहां 20 से ज्यादा शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया। बताया गया कि प्रशासन की इस कार्रवाई में 2000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब नष्ट की गई।